हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सिंपली साइकोलॉजिकल। आज की वीडियो जो है वो है एक की फीचर की जो कि स्किज़ोफ्रेनिया का है, जो कि है ग्रॉसली डिसऑर्गेनाइज्ड और एबनॉर्मल मोटर बिहेवियर, जिसके अंदर कैटाटोनिया भी इंक्लूडेड है। वीडियो स्टार्ट होने से पहले डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और ताकि आपको ये वीडियोज साइकोलॉजी की मिलती रहें। तो लेट्स स्टार्ट। तो अगर हम ग्रॉसली डिसऑर्गेनाइज्ड और एबनॉर्मल मोटर बिहेवियर की बात करें तो एक्चुअली बात ये है कि इसमें कैटाटोनिया भी इंक्लूडेड है। तो ये जो है इसके वैरायटी ऑफ वेज हैं, और ये रेंज करता है बच्चों जैसे बिहेवियर से लेके शदीद अचानक गुस्सा आ जाना, और इसकी वजह से मुश्किलात होती हैं आपकी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में या डेली लाइफ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में। कैटाटोनिया बिहेवियर में आप जो हैं वो आपकी इन्वायरमेंटल रिएक्टिविटी के हिसाब से, मतलब आपकी रिएक्टिविटी ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल कम हो जाती है या बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और ये रेंज करता है, एक आप रेजिस्टेंस शो कर रहे होते हो हिदायत को लेके, और जो आपको इंस्ट्रक्शन दी जा रही होती है आप उससे रेजिस्टेंट होते हो, जिसे नेगेटिविज्म कहा जाता है, से लेकर एक रिजिड इनअप्रोप्रिएट और बिजार किस्म का पोस्चर जो है आप बनाते हो, और उससे लेकर एक कंप्लीट लैक होता है वर्बल और मोटर रिस्पांस का, जिसे कहा जाता है म्यूटिज्म या स्टूफर। ये जो है इसके अंदर एक और किस्म भी है वो ये है कि इसके अंदर आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिव आपकी मोटर एक्टिविटी होती है विदाउट एनी ऑब्वियस कॉज, या मतलब आपकी मोटर एक्टिविटी है जो है वो पर्पसलेसली हो रही होती है और पर्पसलेस होती है, और उसको कैटाटोनिक एक्साइटमेंट कहा जाता है। अदर फीचर्स जो हैं वो इसके अंदर आते हैं, स्टीरियोटाइप मूवमेंट्स होती हैं, मतलब बार बार आप एक ही मूवमेंट कर रहे होते हो, या स्टेरिंग होती है, आप एक जगह देखना शुरू करते हो तो घंटे घंटे आप उसी को देखना शुरू कर देते हो। म्यूटिज्म होता है, आप एक बार चुप होते हो तो घंटे घंटे आप चुप रहते हो, या इक्विंग ऑफ स्पीच होता है कि आप बस स्पीच की इको बनाते रहते हो, घंटे घंटों तक आप वही करते रहते हो। ये सारी चीज़ें कैटाटोनिया को अगर देखा जाए तो कैटाटोनिया पहले जो है वो कंसिडर किया जाता था स्किज़ोफ्रेनिया का एक फीचर, लेकिन अब कैटाटोनिया जो है वो दूसरे मेंटल डिसऑर्डर्स में या साइकोटिक डिसऑर्डर्स में भी होता है, जिसके अंदर कुछ अगर हम साइकोटिक डिसऑर्डर्स को देखें या मेंटल डिसऑर्डर्स को देखें वो हैं बाइपोलर और डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स विथ कैटाटोनिया, एंड और कुछ मेडिकल कंडीशंस में भी कैटाटोनिक डिसऑर्डर इंक्लूडेड होता है।